नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, हमने अभी विभाग बी और सी का सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिया है, जो मोस्ट टाइम भी दाखिले पूछे जा सकते हैं, राइट। उसका सॉल्यूशन और आपको समझाया भी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो की। इस वीडियो में हम विभाग डी का सॉल्यूशन देखेंगे और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पहला है, त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी वाली भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ऐसा साबित करना है। तो मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं लूँगा, इस तरह आपको ले लेने का है, ठीक है। बड़ी वाली जो कोई भी भुजा है वो भुजा आप ले लो। तो त्रिभुज एबीसी में हम मान लेते हैं कि एसी जो है उसके तुलना में एबी छोटी है, मतलब एसी बड़ी है, तो एसी के सामने का कोण बी, तो कोण बी बड़ा हो जाएगा, कोण सी छोटा हो जाएगा। अब हम एसी के ऊपर एक बिंदु डी ऐसा लेते हैं जिससे एबी और एडी दोनों समान हो जाए, ठीक है। अब दोनों समान हो जाएगी तो कोण एक और दो वो भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है। अब कोण एक और दो समान तो कोण दो क्या बनता है, बहिष्कोण बनता है, किसका, छोटा वाला त्रिभुज डी बी सी का, वो बहिष्कोण बनता है। और बहिष्कोण का मतलब क्या है, तो कोण दो का जो मूल्य है वो एक्स और तीन के जोड़ बराबर होगा, एक्स और तीन के जोड़ बराबर, ठीक है। तो ये अंतःसम्मुख कोण भी बन रहे, इसलिए कोण दो वो कोण तीन से बड़ा हो जाएगा। तो कोण एक वो भी कोण तीन से बड़ा, क्योंकि कोण दो और कोण एक समान है, तो कोण एक भी तीन से बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ कीमत डाल दें कि वन प्लस एक्स, ठीक है, एक्स उसमें जोड़ते हैं क्योंकि हमने वहाँ मध्य में एक रेखा ली है, इसकी वजह से कोण बी के दो टुकड़े हो गए हैं। तो हमें पूरा साबुत कोण बी चाहिए, तो हम दोनों का जोड़ कर देंगे, तो जाहिर सी बात है पूरा कोण बी मिलेगा। और तीन नंबर जो है वो हमारा कोण सी है, ध्यान से देखो तो वो कोण क्या है, ए सी बी, ठीक है। तो कोण बी कोण सी से बड़ा हो जाता है, ये हमारी साबिती है। पांचवा है, त्रिभुज की दो भुजाओं के माप समान हो तो सामने के कोण भी समान होते, साबित कीजिए। बहुत ही आसान है, आपको पक्ष रचना और मध्य वाली रेखा यानी एक ही रेखाखंड, ठीक है। तो कोण भुजा कोण भुजा ये नित्य सम के आधार पर त्रिभुज समान हो जाता है, तो इसके कोण भी समान हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा है, समांतर बाहु चतुर्भुज में साम सामने की भुजाएं समान होती है, साबित कीजिए। तो चतुर्भुज आपको समांतर बाहु दे दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू डी, ये साबित करना है। दो त्रिभुज ले लो, ए डी सी और ए बी सी, राइट। तो दोनों त्रिभुज के अंदर आप समान दिखा दो, आपके पास ऑलरेडी जो समांतर बाहु चतुर्भुज है तो सामने सामने की भुजा, पास पास की भुजा, ये समान है ऐसा आपको दिखाना है। तो आप छेदिका ले लो, छेदिका की वजह से जो भी आपको त्रिभुज मिल रहे हैं वो त्रिभुज के मूल्य समान बना दो। ए सी और सी ए, जो ए सी है वही सी ए है, एक ही भुजा हो गई। कोण सी ए बी, कोण सी ए बी और कोण डी सी ए, ध्यान से देखो तो जेड बन रहा है, राइट, यानी युग्म कोण बन रहे हैं, तो ये समान होते हैं। इसी तरह बी सी ए और डी ए सी, राइट, फिर से हम बनाते हैं, कहाँ बी सी ए, देखो बी सी ए ये रहा और डी ए सी उल्टा जेड बन रहा है, तो ये भी युग्म कोण बने। तो कोण भुजा कोण, राइट, कोण भुजा कोण, इसके आधार पर त्रिभुज समान, त्रिभुज समान तो भुजा ये भी समान। पांचवा है, समांतर बाहु चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण इसके दो एकरूप त्रिभुज में विभाजन करता है, तो एक विकर्ण से दो त्रिभुज बनते हैं और वो दोनों समान है, ऐसा साबित करना है। तो अभी जो पिछले वाला हमने प्रमेय देखा उसी तरह आप इनको भी साबित कर सकते हो। तो यहाँ भी आपको भुजा कोण भुजा ही लेनी है, राइट। तो युग्म कोण ले लो, फिर बीच वाली भुजा ऐसी ले लो और अगेन युग्म कोण ले लो। पहले ये दो युग्म कोण लेने हैं, उसके बाद आपको ये युग्म कोण लेने हैं, क्लियर। इसके बाद वृत्त पर, वृत्त के केंद्र में से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को द्विभाजित करता है, साबित कीजिए। तो यहाँ भी आपको दो त्रिभुज ले लेने हैं, दोनों त्रिभुज को समान दिखा दो, राइट। ओ ए और ओ बी त्रिज्या हो जाएगी, ओ एम सामान्य भुजा हो जाएगी, ओ एम ए और ओ एम बी ए 90 का कोण हो जाएगा, क्लियर। तो इसके आधार पर स क भू, उसके आधार पर दोनों त्रिभुज समान, तो ए एम और एम बी वो भी समान हो जाएगी, तो साबित हो जाता है। चौथा है, एक रूप वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र के पास समान कोण बनाती है, साबित कीजिए। तो अगेन दो त्रिभुज बन रहे, दोनों त्रिभुज समान दिखा दो, राइट।
अब आपको करना क्या है तो ध्यान से देखो, ओ ए, ओ बी, ओ डी और ओ सी ये चारों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ओ ए और ओ डी समान, ओ बी और ओ सी समान, राइट, और ए बी और सी डी समान, क्योंकि पक्ष में दे दिया है, जीवाएं दोनों कैसी है, समान है, तो भुजा 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 के आधार पर त्रिभुज समान, तो कोण भी समान। इसके बाद है रचना, 90 और 30 की रचना, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, भले आपको दिखने में इजी दिख रही है, राइट, पर कल के पेपर में इसके आने की संभावना 99.9% है मित्रों, खास ध्यान देना। 90 और 30 इसलिए कि दो कोण आपको बनाने हैं, एक रचना नहीं है, दो है। पहले क्या करना है, तो किरण बी एक्स लिया, बी को केंद्र लेकर हमने चाप लगाई, राइट, फिर वहाँ से हमने 90 का कोण बना दिया है, वो कैसे बना है, तो चाप लगाई उसी मूल्य की, हमने दो चाप बड़ी चाप वाले पर लगाई है जो कि 60 और 120 की है। अब 60 और 120 को बारी बारी केंद्र लेकर हमने ऊपर की तरफ चाप लगाई, उसका बिंदु M लिया, बी एम को जोड़ दिया, तो हमारा कोण एम बी एक्स अथवा वाई बी एक्स वो 90 का मिलता है। दूसरा जो है उसमें क्या करना है, तो किरण बी एक्स हमने ले लिया है, किसी एक मूल्य का हमने चाप ले लिया, वो चाप बिंदु सॉरी किरण बी एक्स को जहाँ प्रतिच्छेदित करती है वहाँ से हमने केंद्र लेकर बड़ी वाली चाप पर और एक चाप ले ली 60 की, 60 और 0 की चाप को केंद्र लेकर हमने दो चाप और लगाए, वो दोनों जहाँ प्रतिच्छेदित करते बिंदु एम नाम दिया, तो कोण वाई बी एक्स अथवा एक्स बी वाई ये 30 का कोण है। इसके बाद कोण वाई बराबर 30, कोण जेड बराबर 90, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 8। तो ऐसे त्रिभुज की रचना करके रचना के मुद्दा लिखिए, इसकी संभावना थोड़ी कम है पर आ सकती है, राइट, पर कम है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, तो आपको 8 सेंटीमीटर का ए एम ले लेना है, इसके बाद जो मूल्य दिए 30 और 90, 30 का आधा कर दो, 30 का आधा होता है 15, तो एक तरफ 15 का कोण ले लो, दूसरा है 90 तो एक तरफ 45 का कोण ले लो, दोनों जहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं वहाँ बिंदु एक्स बनेगा। अब ए एक्स और एम एक्स इनका लंब द्विभाजक ले लेने हैं, वो दोनों जहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं ए एम को वहाँ पर आप एक्स में से त्रिभुज बना दो, तो अंदर ध्यान से देखो तो एक्स वाई जेड आपका मांगा हुआ त्रिभुज बनता है। इसके बाद शेष आर वन और आर टू, तो आपको 2R1 प्लस R2 बराबर 6 करके एक ही कीमत ज्ञात करनी है, सिंपल है, दाखला ध्यान से देख लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। पहले में x बराबर 1 करके कीमत डालकर समीकरण प्राप्त कर लो, दूसरे में x बराबर 2 करके कीमत डाल के समीकरण प्राप्त कर लो, दोनों R1 और R2 की जो वैल्यू है वो यहाँ समीकरण में डालो और हल कर दो, तो आपको कीमत मिलती है a बराबर 2। नेक्स्ट है तीसरा, लंब चौरस नहीं आयताकार, इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है जो कि एक समीकरण के रूप में है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल 4x² - 4x - 15, राइट, तो 4 और 15 यानी 60, 15 4 60, 60 के ऐसे गुणनखंड घटाव करने पर प्लस 4 है, तो 10 6 60, 10 में से 6 गया 4, तो 2x प्लस 5, 2x माइनस 3। दूसरा है x² - 3xt - 10t², तो उसका भी हमने ऐसे ही हल निकाला है। इसके बाद अवयव ज्ञात करने हैं, x³ + x² - 26x + 24, तो हमने क्या किया, सबके सहगुणक ले लिए, 1 + 1 - 26 + 24 टोटल हो गया 0, यदि टोटल 0 हो जाए तो x - 1 गुणनखंड है, 0 ना हो तो पहला पद तीसरा पद बराबर और दूसरा पद चौथा पद इनके सहगुणक का जोड़ समान आना चाहिए, तो x+1 बनेगा, समान आता है तो x+1 बनेगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 0 आ जा रहा है तो x-1 है। अब x = 1 लेकर के हम इस तरह से इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो x-1 x + 6 x - 4। इसके बाद आपको आलेख बनाने थे तो वो मैंने यहाँ बनाकर आपको दिखा दिए हैं, तो ऐसे आपको आलेख बना लेने हैं, छोटी से छोटी कीमत 1, बड़ी से बड़ी 17, तो 1 से 17 हमने ले लिया। अब 1 से 2 के बीच में 5, तो 1 और 2 ये स्तंभ जाएगा 5 तक, 2 से 3 ये स्तंभ जाएगा 3 तक, 3 से 5 राइट, तो ये स्तंभ जाएगा 6 तक, यहाँ ये एक छोटा रह गया है फ्रेंड्स, तो ये 6 तक जाएगा। इसके बाद 5 से 7 तो ये जाएगा 12 तक, यहाँ जो वैल्यू है वो आपको ऊपर तक ले लेनी है, 12 तक लेनी है, ठीक है। यहाँ जो आलेख मैंने लिया है
वो सैंपल आलेख है, इसलिए आपको यह थोड़ा अलग दिखेगा, क्लियर, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिया है। तो इतना लंबा आलेख आपका बन सकता है, स्तंभ बन सकते हैं। इसके बाद अंदर जो छोटी छोटी लाइनें डिज़ाइन बनाई है, तो वो डिज़ाइन बनाना ज़रूरी नहीं है। आप पहले में ऐसे तिरछी, दूसरे में आड़ी, फिर तीसरे में वापस ऐसी, चौथे में ऐसी लाइनें खींच सकते हो। इसके बाद का जो आलेख है वो मैंने आपको बना दिया है, तो वही इस हिसाब से बनेगा। तो आलेख आप देख लीजिएगा, पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपका कल के गणित के पेपर के मोस्ट आईएमपी बी और बी सी डी तीनों के वीडियो आपको दे दिए गए। बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए।